नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। दोस्तों, सन फ्लैग आयरन और लॉयड मेटल एंड एनर्जी लेटेस्ट न्यूज दोनों पे खबर है, दोनों के इंटर रिलेटेड खबरें हैं और एक ने पेमेंट किया है दूसरे को, सन फ्लैग आयरन को। तो लॉयड स्टील में भी इस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो तीनों ही शेयरों पर हम लोगों की नज़र रहेगी। और दोस्तों, न्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे, बताएंगे और टारगेट प्राइस भी लेके चलेंगे। तो दोस्तों, हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और कभी भी किसी भी चैनल पर जाएं तो डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें, उसके बाद ही कोई ट्रेड इनिशिएट किया करें। चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे चार्ट चेक बाद में करेंगे दोस्तों, तीनों ही शेयर्स के। उससे पहले न्यूज क्या है वो मैं बता देता हूँ। लॉयड मेटल एंड एनर्जी का यहाँ पे आप देख सकते हैं अवार्ड ऑफ ऑर्डर और रिसीप्ट हुआ है। इसमें दोस्तों डिटेल में यहाँ पे आपको खबरें बताता हूँ क्या है। सबसे पहले डिस्क्लोजर ऑफ टर्म्स रेगुलेशन 30, और इसमें ये कहा गया है विद रेफरेंस टू दैट इन द मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन बिटवीन सन फ्लैग आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड एंड लॉयड मेटल एनर्जी। तो इन दोनों के बीच में मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अवार्ड वॉज पास्ड बाय द सोल आर्बिट्रेटर मिस्टर जस्टिस, और ये फेवर में गया है लॉयड स्टील के। और यहाँ से आप देख सकते हैं द कंपनी एंड सन फ्लैग आयरन फ्रॉम हैव बीन एंटरिंग इनटू द वेरियस अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट टू हैव जॉइंट द इक्वल कंट्रोल ऑन द आयरन ओर माइन। तो इसके 60% जो है 60% एंड 40% रेस्पेक्टिवली होना चाहिए था। तो यहाँ से कंपनी कुड नॉट शेयर द आयरन ओर एक्सट्रैक्ट विद द सन फ्लैग फॉर वेरियस द कंपनी। तो इसमें ऑर्डर में ये कहा गया है द क्लेम मेड बाय सन फ्लैग वर एज फॉलोज, रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बाय दिस सन फ्लैग, रीपेमेंट करेंगे अमाउंट बाय सन फ्लैग आयरन करेगी 312 करोड़ का, एंड डिमांड ऑफ 1433 करोड़ टूवर्ड्स सन फ्लैग्स राइट ऑफ 40% मिनरल एक्सट्रैक्टेड एट द कॉस्ट ओवर द लाइफ। तो ये दो चीज़ें कही गई थी, और ऑल द एवर क्लेम्स ऑफ सन फ्लैग वर रिफ्यूटेड बाई द कंपनी एंड वेरियस। तो इस पे हियरिंग हुई तो आर्गूमेंट पार्टीज द लर्न पिटीशन हैज फाउंड एंड अवार्डेड अवार्ड ऑन 22nd अप्रैल। द कंपनी इज लाइबल टू पे 900 करोड़ टू सन फ्लैग, दैट इज 312 करोड़ ऑन द अकाउंट ऑफ रिफंड ऑफ एडवांस विद द एक्यूर्ड इंटरेस्ट एंड द बैलेंस रुपीज 588 करोड़ एज ए फुल सेटलमेंट ऑफ अदर क्लेम। तो टोटल 900 करोड़ टू सन फ्लैग को लाइबल टू पे है, और गिविंग द अमाउंट बींग लार्ज द कंपनी प्रपोज टू सेटल एंड सेट लाइबिलिटी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सब्जेक्ट होल्डर इशूइंग द 6 करोड़ इंटरेस्ट विच विल सेटल लाइबिलिटीज। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इन दोनों के लिए एक सेटलमेंट हुआ है, तो इसका देखिए फायदा सन फ्लैग आयरन को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट जो था लॉयड मेटल स्टील में वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें दोनों ही शेयर्स को, तो सन फ्लैग आयरन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका है शेयर, तो थोड़ा बहुत करेक्शन आए तभी इसमें पोजीशन बनाएं, और जिनके पास से वो होल्ड रखें 122 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, 122 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं दोस्तों लॉयड ये मेटल, इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट, और इसमें स्टॉप लॉसेज आप जो लगाएंगे वो लगभग 183 का लगा के चलें, तो 183 का स्टॉप लॉस इसमें भी लेके चलें। वहीं दोस्तों तीसरी चीज़ है लॉयड स्टील। लॉयड स्टील में या तो अपर या लोअर लगते हैं, तो लोअर साइड अब आपको 13 रुपये के स्टॉप लॉसेज लगाइएगा, और अपर साइड 21 रुपीज़ के टारगेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, तीनों ही शेयर ऐसे हैं कि इसमें अपर या लोअर सर्किट लग सकते हैं, स्पेशली लॉयड स्टील एंड लॉयड मेटल एनर्जी में। तो डेफिनेटली थोड़ा सा पोजीशन हल्की रखें, मार्केट वोलेटाइल है तो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। अब कल के एक्शन देखना पड़ेगा इन तीनों शेयरों में क्या रहेगा। ये थी दोस्तों डिटेल्ड एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक जरूर जुड़ें। थैंक यू।